एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। कई बार क्या होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन किसी ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर अप्लाई करनी होती है, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रुप बाई क्लास के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट इत्यादि। तो चलिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि ग्रुप बाई का सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद कॉलम्स, फिर फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद ग्रुप बाई, और जिस कॉलम के ऊपर हमें ग्रुप करना है उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो चलिए इसको MySQL के द्वारा प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास एक टेबल है EMPL, इसमें ये डेटा स्टोर है। इसके अंदर ये देखिए, ये जॉब है, क्लर्क, सेल्समैन, ये। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने क्लर्क हैं, कितने सेल्समैन हैं, कितने प्रेसिडेंट हैं, तो इसके लिए हम जॉब को ग्रुप करेंगे। और देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिलेक्ट, जॉब, कॉमा, काउंट स्टार फ्रॉम EMPL, ग्रुप बाय जॉब। अब ये देखिए, अब इसके अंदर ये इतनी बार आए हैं, क्लर्क 4 बार आया, सेल्समैन 4 बार आया, मैनेजर 1 बार, एनालिस्ट 2 बार, इसी तरीके से। तो ये देखिए, एनालिस्ट इसमें आया 2 बार, क्लर्क 4 बार, मैनेजर 3 बार, प्रेसिडेंट 1 बार, और सेल्समैन 4 बार। इस तरीके से इसने हमें काउंट करके बता दिया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि सैलरी भी, सैलरी का टोटल ग्रुप वाइज आ जाए कि किसको कितनी, जैसे सेल्समैन को टोटल कितनी सैलरी मिली, मैनेजर्स को कितनी सैलरी मिली, क्लर्क्स को कितनी दी, एनालिस्ट को कितनी दी, इसका टोटल हमें हमारे पास अलग अलग आए। तो ये भी हम कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट, जॉब, कॉमा, सम, सैलरी, ठीक है, फ्रॉम EMPL, ग्रुप बाय जॉब। अब इसमें देखिए, ग्रुप बाय करते ही एनालिस्ट को कितनी सैलरी मिली, ठीक है, क्लर्क को कितनी सैलरी मिली, मैनेजर को कितनी सैलरी मिली, प्रेसिडेंट को कितनी, और सेल्समैन को कितनी। तो ये देखिए, क्लर्क्स को ये 800, 1100, 950 और 1300, इसका टोटल करके इसने यहाँ पर आपको बताया है। इसी तरह से एनालिस्ट की जो सैलरी है, तो एनालिस्ट ये देखिए, एनालिस्ट 3000 एक है ये, और 3000 एक ये दूसरा, यानी एनालिस्ट 6000। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का हम को इसने सम करके दिखाया। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं क्लास, और ग्रुपिंग जब हमें करनी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।